दत्तात्रेय जी बोले, हे राजन, मैंने अपनी बुद्धि से बहुत से गुरुओं का आश्रय लिया है। अब मैं आपको उन गुरुओं के नाम और उनसे क्या सीख मिलती है इसके बारे में बताता हूँ। मेरी सबसे पहली गुरु है यह पृथ्वी, और पृथ्वी से मुझे धैर्य और क्षमा की शिक्षा मिलती है। लोग पृथ्वी पर न जाने कितने आघात और उत्पात करते हैं, परंतु उनकी विवशता को समझे और ना तो अपना संयम खोए और ना ही क्रोध करे। पृथ्वी से ही उपलब्ध पर्वत और वृक्षों से मैंने यह शिक्षा ली है, उनका हर प्रयास केवल और केवल दूसरों की इच्छा पूर्ति के लिए ही होता है, बल्कि यह कहना भी गलत नहीं कि उनका जन्म दूसरों के लिए ही हुआ है। इसलिए उनसे परोपकार की शिक्षा लेनी चाहिए। मेरी अगली गुरु है शरीर के भीतर रहने वाली प्राणवायु, क्योंकि हर शरीर के प्राणवायु की उपभोग की सीमा उतनी ही है जितने में सांस चलती रहे। वैसे ही मनुष्य को चाहिए कि जितने में जीवन निर्वाह हो जाए उतने में ही अपने आप को संतुष्ट रखे, क्योंकि ये इंद्रियां कभी तृप्त नहीं होती, और जिनकी इंद्रियां अतृप्त रहती हैं, या कहें जो लोग बहुत ज्यादा की चाह रखते हैं, उन अनियंत्रित इच्छाओं की पूर्ति के लिए वे अपनी बुद्धि को विवेकहीन, मन को लालच और वाणी को झूठ और आडंबर में उलझा लेते हैं। शरीर के बाहर रहने वाली वायु भी मेरी गुरु है। उससे मुझे सीख मिलती है कि जैसे वायु संसार में एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमण करती रहती है, परंतु वह किसी भी आसक्ति में कहीं रुकती नहीं। किसी भी गंध एवं दुर्गंध को शायद कुछ दूर ले चले, परंतु उसे कभी अपनाती नहीं। वैसे ही मनुष्य को चाहिए कि भले ही वह देश और काल के अनुरूप आवश्यकता अनुसार धर्म और कर्मों में उलझे, परंतु अपने उद्देश्य में स्थिर रहकर किसी के गुण और दोषों में उलझकर ना रह जाए, ना तो किसी से आसक्ति और ना ही किसी से बैर पाले। सुगंध या दुर्गंध वायु का गुण दोष नहीं, बल्कि पृथ्वी से उत्पन्न है, परंतु एक स्थान से दूसरे स्थान वे बहती तो वायु के साथ ही हैं, परंतु ऐसा करने पर भी वायु तो शुद्ध ही रहती है, उससे उस गंध का संबंध कुछ दूर तक ही रहता है। उसी प्रकार मनुष्य का संबंध इस शरीर से उत्पन्न सुख दुख भूख प्यास रोग का तब तक ही होता है जब तक उसकी आत्मा उस शरीर को धारण की है, परंतु मनुष्य को अपने को वह शरीर नहीं बल्कि उस शरीर में स्थित आत्मा के रूप में महसूस करना सीखना चाहिए, जो शरीर के सुख दुख से सदा सर्वदा निर्लिप्त है। यह शरीर तो पूर्व के जन्मों में किए कर्मों के फलों का ही निर्वाह कर रहा है। जो साधक अपने को शरीर के नहीं आत्मा के रूप में देखता है, वह इस शरीर के गुण दोषों से गुजरने पर भी सदा सर्वदा निर्लिप्त रहता है।